हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आइए फिर से हम लोग वापस आ गए हैं अपने फिजिक्स क्लास की ओर। आप लोग को पता है, आप लोग अभी यूट्यूब पे क्लास जो कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल का नाम है जिशान सर फिजिक्स। तो हम लोग यूट्यूब चैनल जिशान सर फिजिक्स पे वापस आ गए हैं। आप लोगों को अभी तक मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है फिजिक्स में, और अभी हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, और पहले चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने तीन टॉपिक कवर कर दिया है। पहले टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज था, दूसरे टॉपिक का नाम कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तीसरे टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से कुछ बातें करना चाहेंगे। पहले तो हमको देखकर भी जहां तक समझ में आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे घर पे, और ये वीडियो को लगता है कि जो दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है। क्योंकि हम लोग जो अभी लेक्चर दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ठीक ठाक लेक्चर दे रहे हैं, इतना तो बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, थोड़ा दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लासेस में समझने में, बट अगर आप उसको रिपीट करके देखेंगे तो वो फिर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मैंने आपको बोला भी है, जो भी डाउट्स है उस पर कमेंट्स करें, उसको पूछ लें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है, कहीं पे से भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, हर तरफ से आप पूछ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। और तीसरी बात, कोरोना से डरे नहीं, ठीक है। ये कोरोना आपको छुट्टी दिया है, लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ घर में रहे, स्टे होम स्टे सेफ, आप लोगों ने सुना होगा। तो घर में रहें और सुरक्षित रहें, घर वालों के साथ बहुत लोगों का तो वक्त गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो हमको पता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है, अरे यार कब घर से जाते हैं, क्या हम यहाँ पे आके भी फंसे हुए हैं, इधर रहते उधर रहते, अच्छा लगता ये लगता वो लगता, ठीक है। बट आपको हम बता देते हैं, घर वालों के साथ रहने का आप लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हर किसी को ये चीज नहीं मिला है, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोड पे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोचिए इतनी इतनी दूर से पैदल चले आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम घर वालों के साथ रह सके। तो प्लीज आप लोग भी घर वालों के साथ रहे, खुशी खुशी रहे, अच्छी अच्छी चीजें बनाए, अच्छी चीजें खाएं। कोई भी जरूरत हो, किसी तरह की जरूरत हो तो हम लोगों को कॉन्टेक्ट करें, अगर हमारे पास में होगा तो उन सब चीजों को आपको हम लोग ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, देन आते हैं फिर से हम लोग अपने टॉपिक की ओर वापस। और आपको पता है कि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और हम लोग इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को जो सबसे पहले पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग करते क्या है कि एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं प्लस, ठीक है, ओके। तो ये क्या देखते, अब देखिए क्या है, यहां पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या होगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन होगा तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर किधर मूव करेगा, ठीक है। हम यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो ये वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें तो देखेंगे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, ये इधर मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें तो फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए, जब ये मूव करेगा मतलब किसी रास्ते पे चलेगा, हाँ या ना,
आप मूव कर रहे होते हैं मतलब क्या है, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, सही बात है या नहीं है? आप अगर मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, किसी पाथ पे मूव कर रहे हैं। जस्ट उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ होता है जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, या फिर मूव करने की टेंडेंसी होती है। मतलब ये टेंडेंसी किस चीज को बोलते हैं, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स लगा रहे लेकिन अब ये मूव कर नहीं कर रहा, बट ये बोल रहा भाई थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा रहा, हम इसको तुरंत चल देंगे अभी, ठीक है? ये क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा सा फोर्स और लगा उसके बाद हम क्या करेंगे, चलने लगेंगे। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेंडेंसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक इमेजिनरी पाथ होता है, ये आप लोगों को दिखेगा नहीं, ये एक इमेजिनरी पाथ होता है जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, या फिर इनके पास मूव करने की टेंडेंसी होती है। समझ में आ रहा है बात? हाँ। अब देखिए, अगर हम आपसे बोले कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर पॉजिटिव चार्ज तो ये बाहर निकल के जा रहा है। हाँ ये ना देखिए, ये यूनिट पॉजिटिव इधर सीधा मूव कर रहा है ना, कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर सीधा मूव कर रहा है, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। तो याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दूर निकल के जाएगा, क्या होगा, दूर निकल के जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। जस्ट इसी तरह से हम लोग लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं माइनस टू, यहां पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए प्लस वन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जस्ट इसी तरह से यहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन इधर अट्रैक्ट करेंगे, ये फिर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फिर से क्या होगा, फिर से ये अट्रैक्ट होंगे। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बाबू नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो नेगेटिव चार्ज में इंटर कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक इमेजिनरी पाथ होता है जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या उसके पास मूव करने की टेंडेंसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा या फिर उसके पास मूव करने की टेंडेंसी होगी। और भी बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर मूव और हैज द टेंडेंसी टू मूव। इस चीज को आप लोग कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग में लिखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? आइए देखते हैं, हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर है, सॉरी अगर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा
बाहर की तरफ जाता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा नेगेटिव में क्या करेगा, इंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, इंटर करेगा। ओके, मतलब यहां पे Q इज ग्रेटर देन जीरो है एंड यहां पे Q इज लेस देन जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव से इंटर करेगा। ठीक है, दो हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग कमेंट्स करें। नेक्स्ट, तीसरा, मान लेते हैं हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट ले लिया और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट ले रहे हैं और इस बार हमने नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लिया, कैसा चार्ज है इस बार, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज में इंटर कर गया है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव से इसको बाहर निकलना है, ये पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और कहां इंटर करता है, नेगेटिव में। तो याद रखेंगे हम लोग एक और बात कि पॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में क्या होगा, इंटर करेगा। नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ट्रैवल करेगा और पॉजिटिव से ट्रैवल करके कहां जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव से ट्रैवल किया और नेगेटिव में चला गया। ओके, आप लोगों को मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कर्व भी होता है। अभी एक डायग्राम बनाया ना पांचवें नंबर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कर्व भी होता है और पैरेलल भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी होता है एंड पैरेलल भी होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये कर्व है, आप इस कर्व पे टैंजेंट बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे टैंजेंट बनाया, टैंजेंट जानते हैं ना, हमने एक टैंजेंट बनाया पॉइंट A पे। तो ये टैंजेंट जो होगा ये यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पे टैंजेंट क्या करेगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक टैंजेंट बनाए हैं, तो यहाँ पे ये टैंजेंट क्या करेगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप यहाँ पे भी टैंजेंट बनाएंगे, वहां पे आपको वो टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इसके बाद आप कभी भी जब जितना भी फोटो अभी तक हम बनाए हैं, आप उसमें ये नहीं देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या कर रहा है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करेंगे। देखिए अगर सर मान लीजिए कट कर गए तो देखिए ये कट नहीं करेंगे। होगा क्या कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, अगर ये दोनों कट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके ऊपर टैंजेंट बनाएंगे तो ये इधर जाएगा और इसके ऊपर टैंजेंट बनाएंगे तो ये इधर जाएगा। अब देखिए सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो वैल्यू मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक ही पॉइंट पे दो दो वैल्यू मिल सकता? क्या हम यहां पे आकर के खड़े हैं, क्या एक और निशान सर यहां पे आके खड़े हो सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें ये कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं करते हैं। ये कट नहीं करने का रीजन ये है कि फिर उनको एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा जो कि क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और आप लोगों को नेक्स्ट नाइन्थ नंबर यहां पर बना देते हैं। ये हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। कुछ लोग तो ये देख के बोलेंगे सर एक मिनट रुकिए सर, अभी आपने तीन नंबर में ये सेम डायग्राम बनाया है ना? हाँ, तीन नंबर में सेम डायग्राम बनाया है, बट आप कुछ डिफरेंस खुद से देख सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस आप क्या देखेंगे कि वहां पे जो मैंने बनाया होगा तीन नंबर में तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में दूरी ज्यादा थी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पे दूरी क्या है, कम है। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सिंपल, जितनी बातें बताई हैं बस वही सब प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, मतलब डाइवर्ट करता है, और हमेशा नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। नेक्स्ट है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या बोले हम, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, अगर पैरेलल रहे और इक्वल डिस्टेंस पर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करते हैं, अगर ये आपस में कट करेंगे तो एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ये डायग्राम जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जिस सरफेस से या तो वो निकल रहा हो या फिर वो जिस सरफेस पे इंटर कर रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से निकल रहा हो या जिस सरफेस पे ये इंटर कर रहा हो ये हमेशा क्या होगा, उसके ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए आइए एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज को दोबारा से सुन लेते हैं। आप लोगों को मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या बताया है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जिस सरफेस से निकलेगा ये उसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
और नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगे। कट नहीं करने का रीजन ये होता है कि अगर वो कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जिस सरफेस से निकलेंगे ये उसके परपेंडिकुलर होंगे, या जिस सरफेस में इंटर करेंगे ये उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो इन सारे डायग्राम्स को आप लोग बनाएंगे और फिर आपको लिखवाएंगे प्रॉपर्टीज। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, स्कूलों के एग्जाम में भी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम टोटल आपको इसकी 9 प्रॉपर्टीज बताएंगे, ये अभी 5 यहाँ पे लिखे हैं, वही देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर निकलता है पॉजिटिव चार्ज से और इंटर करता है किधर पे, नेगेटिव चार्ज पे। कोई दिक्कत नहीं, EFL बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा जिस सरफेस से वो बाहर निकल रहा हो या फिर जिस सरफेस पे वो इंटर कर रहा हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने बोला कि आप कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टैंजेंट बना देंगे तो वो टैंजेंट क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और आपको लास्ट में 5वां पॉइंट मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का लूप को फॉर्म नहीं करेगा। इस तरह का लूप इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो आप लोग इसको कॉपी करेंगे फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 पॉइंट। देखिए मैंने बोला आप लोगों को कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर वो कट करता है तो एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये चीज हम लोगों ने लिखा है, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 7th पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हो सकता है कट भी हो सकता है। आप लोगों को मैंने बताया पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, और नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को जानकारी देगा। तो इस पॉइंट को भी कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है देखिए आप लोगों को मैंने बोला क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा नजदीक नजदीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा नजदीक नजदीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना नजदीक नजदीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा दूर दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीकर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना दूर दूर होगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है भाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और लास्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9, आइए देखते हैं।
मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है हमारे पास, क्या है ये कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है हमारे पास और यहां पे हम लोगों ने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को रख दिया है। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो क्या होगा, हाँ यहां पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है चल निकलेगा। अब देखिए इधर ये पॉजिटिव है और ये एक मेटालिक कंडक्टर है, क्या है ये मेटालिक कंडक्टर मतलब मेटल। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन के वजह से इस मेटालिक कंडक्टर के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लेट के पास तो पहले से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज लाए तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव क्या होगा, इस पॉजिटिव से रिपेल करिए, ठीक है। आगे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां एंटर करेगा, नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और कहां एंटर करेगा, नेगेटिव चार्ज में ये एंटर करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जा रहा है, ये इंटर कर जा रहा है, ठीक है। याद रखिए जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है आप लोग इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे कि ये सरफेस आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे हम बोले कि बाबू जरा ध्यान लगा के देखिए यहां पे क्या हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एक लाइन में सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी मेटालिक कंडक्टर से पास करता है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्या यहाँ पे आ रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं ना है, मतलब ये जगह बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, खाली है। ये बहुत काम का है, बहुत ही हाईली इफेक्टिव चीज है ये, ठीक है, हम इसको बहुत सारे जगह पे यूज भी लाते हैं, हम बताएंगे भी कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जब भी मेटालिक कंडक्टर से पास करेगा तो याद रखना है, क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will become discontinuous while passing from metallic conductor, ठीक है, while passing from metallic conductor इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जब वो क्या करेगा, मेटालिक कंडक्टर से पास करेगा, ठीक है। मतलब मेटालिक कंडक्टर के अंदर में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत बार आपके जो बहुत सारे महंगे महंगे वॉच आते हैं, घड़ी आती है, वो मेटालिक बॉक्स में आता है। आप ऑनलाइन जो घड़ियां मंगाते हैं वो घड़ी क्या होता है, हैंड वॉच, वो क्या होता है, मेटालिक बॉक्स में भेजा जाता है, क्यों, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ना पड़े उस घड़ी पे और आपको टाइमिंग या उस घड़ी में कोई और तरह की भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज इस प्रॉपर्टीज को याद करेंगे। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, बट वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में, और आज का क्लास हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्लीज
कंसल्ट करें मुझसे, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, ठीक है, चैट करें, जो भी है टेलीग्राम के थ्रू में आए, जिशान सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप आए और आकर देखें, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये चीजों को पहुंचा सकें. Okay then, thank you students, that's all for today.